अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो विल बी फिट एंड फाइन। आप देख रहे हैं काविश एकेडमी, मैं हूं आपके साथ जानू फातिमा। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन जूनियर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटर कन्वेंशंस और रिलेशनशिप्स जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। और अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री का सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली। नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मास परसेंटेज। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन बराबर होती है W2 डिवाइडेड बाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वॉल्यूम हम जानते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम बराबर होता है वेट ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसे जब हम पुट कर देंगे इक्वेशन में तो क्या आएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब इसमें भी जो ब्लू कलर में मेंशन है वो मास परसेंटेज होता है, तो मास परसेंटेज की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इसका क्या रिलेशन होता है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन बराबर होता है मोलैरिटी यानी कैपिटल एम ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है ये अंदर किसके साथ, एम टू मास ऑफ द सॉल्यूट यहाँ पे मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल एम यानी कि मोलैलिटी। अब हम इस रिलेशन को प्रूव करते हैं कि किस तरह से ये रिलेशन बनाए। अगर हम मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों की जगह पे उनकी इक्वेशंस यानी कि फॉर्मूला पुट कर दें, ओपन कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ब्रैकेट वाला सेम इक्वेशन रहेगी M2 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 1। नीचे जो उनसे स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी है उसकी जगह पे भी हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय M1। अब हम क्या करेंगे, जो बाहर वाली टर्म्स हैं ब्रैकेट के बाहर वाली जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1 अंदर वाली टर्म्स के साथ। फर्स्ट हम ब्रैकेट के बाहर वाले साइड टर्म्स को M2 डिवाइडेड बाई 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर बाहर वाले टर्म्स को नेक्स्ट अंदर वाले टर्म्स के साथ 1 डिवाइडेड बाई मोलैलिटी के फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इक्वेशन बनती है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई M2 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई V मल्टीप्लाई बाई M2 डिवाइडेड बाई 1000। ये हमने एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आगे प्लस, फिर वही लिखा और W2 डिवाइडेड बाई M2 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई V मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई W2 डिवाइडेड बाई M2 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई W1। ये M2 और W1 जो डिवाइड के डिवाइड में लिखे गए हैं जो ऊपर 1 की जगह पे प्लेस हो जाएंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन में जब हम इन्हें रीअरेंज करके कटिंग करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या आएगी, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन प्लस W1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम इसमें से वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एलसीएम में ले लें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी W2 प्लस W1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और W2 क्या है, वेट ऑफ द सॉल्यूट, और W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्लस होकर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन बराबर आ जाएगा वेट ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी बराबर होता है W2 डिवाइडेड बाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। और जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है वो बराबर होता है ग्राम मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम इसको ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जगह पे पुट कर दें तो इक्वेशन आती है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W2 यानी कि वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय W2 डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है यानी कि W2 मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हम जानते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पे मोलैरिटी को लिख दें तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आती है, नॉर्मेलिटी यानी कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। तो यही थी हमारी आज का लेक्चर।
मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।